थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एमटीवी प्रो। माय नेम इज तिलक। तो आज की वीडियो में मेरे पास है एल्फ की तरफ से आने वाला ये स्क्रीन प्रोटेक्टर और बैक प्रोटेक्टर। मेरे पास है आईफोन 12 मिनी, तो मैं इसमें ये स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है, मेरे चैनल पर आप बजट सेगमेंट वाले प्रोडक्ट देखते हैं, तो ये मैंने अमेजोन से 250 रुपीज का लिया है। एल्फ ब्रांड का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहे तो उसे परचेज कर सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अपने पर्सनल यूज के लिए ये प्रोडक्ट मैंने लिया है। तो आज देखते हैं कि क्या ये स्क्रीन प्रोटेक्टर क्या मैं अपने फोन पर खुद अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली इसके फ्रंट में तो स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी लगा है, पर बैक में नहीं है। इसकी वजह से मेरे को हल्का सा स्क्रैच इसके लोगो पर लग गया है, तो इन फ्यूचर ये इस तरह के स्क्रैचेस ना लगे, तो इसलिए मैं इसमें बैक प्रोटेक्टर अप्लाई करने वाला हूँ। तो वीडियो होने वाली काफी इंटरेस्टिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो इसी तरह के टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे मैं अपना सेटअप कर, और आप देख सकते हैं ये मेरे पास एल्फ की तरफ से आने वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है। तो इसको कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्स। तो अंदर से कुछ इस तरह का बॉक्स यहाँ पे देखने को मिला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको दो वाइप्स मिले हैं, एक ड्राई है और एक वेट है, जिसे अप्लाई करने से पहले आप क्लीन कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ये फ्रंट वाला है, पावर HD प्लस करके इसमें मेंशन है फॉर आईफोन 12 मिनी, और बैक में कुछ नहीं है। और ये इसका बैक, तो जल्दी से मैं अपने फोन पर इसे इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाइप्स जो है वेट वाला, इसको अप्लाई कर देते हैं इसके बैक में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हो गया क्लीन। अब इसको अप्लाई करने के लिए इस पर देख सकते हैं आप, वन लिखा है, तो प्लीज पील ऑफ दिस मास्क बिफोर एप्लीकेशन। तो इसको पहले हटाना है मुझे। ये हट चुका है, और इसको मेरे को बहुत ही सावधानी से अप्लाई करना पड़ेगा। ये ढंग से लग नहीं पा रहा उसे, इसको दोबारा निकाल लेता। कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा मुझे लग रहा है, फिर भी मैं इसे हटा देता हूँ। कुछ बबल्स रह गए, तो इनको रिमूव कर लेते हैं। तो ये हो चुका है अप्लाई, और काफ़ी मेहनत लगी इसको। तो मेरा सजेशन है कि आप दुकान वाले से ही कराएं, वैसे तो हो गया, पर हल्का सा बबल यहाँ अगर आपको दिख पा रहा है, तो हल्का सा बबल यहाँ पे हो गया है। और फ्रंट पे मेरे पास ऑलरेडी ग्लास लगा हुआ है, तो फ्रंट पे मैं ये ग्लास जब ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा उसके बाद इसको अप्लाई करूँगा। तो इस टाइप के ग्लास आपके मोबाइल में होने चाहिए, तो मैं आप रिकमेंड करूंगा तो इस तरह के ग्लास आपके मोबाइल पर आप लगा के रखें, ताकि जो बैक में स्क्रैच वगैरह होने से आपका फोन प्रोटेक्टेड रहे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मैं फिर लौटूंगा अपने चैनल पर। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। बाय।